हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डिलीश टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको अनुपम रसायन के पूरे फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज़ ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले अनुपम रसायन जो कंपनी है ये 1984 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी। मतलब 36 से 37 ईयर इस कंपनी को हो गए हैं मार्केट में रहते हुए, और ये 36 ईयर्स बाद अपनी कंपनी को आप पब्लिक करने जा रहे हैं। अब देखिए, कंपनी काम क्या करती है। देखिए, स्पेशलिटी केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करती है इंडिया के अंदर। अब देखिए, इसके दो वर्टिकल्स हैं, मतलब दो सेगमेंट में कंपनी काम करती है। सबसे पहला लाइफ साइंस। अब लाइफ साइंस में क्या आता है, वो वाले केमिकल जो एग्रोकेमिकल जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पर्सनल केयर हो गया, फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये तीनों सेक्टर से रिलेटेड जितने भी केमिकल्स होते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब जो दूसरा है वो है अदर स्पेशलिटी केमिकल। अब देखिए इसमें क्या आता है, इसमें है जो पिगमेंट एंड डाइस और पॉलीमर एडिटिव। अब देखिए, मैं इसमें ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो है ये कंपनी का मेन धंधा नहीं है। कंपनी का मेन धंधा एग्रोकेमिकल्स, पर्सनल केयर केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर वाले केमिकल्स में ही है। अब ये देखिए, अगर आप कंपनी के रिलेशनशिप की बात करोगे तो इनकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें से देखिए सिनजेंटा एशिया पैसिफिक, इस कंपनी से इनका एक अच्छे खासा रिलेशनशिप है। सुमिटोमो केमिकल कंपनी जो कि लिस्टेड है, यूपीएल जो कि कंपनी लिस्टेड है अपने इंडियन मार्केट में, तो ये इनका इनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप है कंपनी की। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जापान और इंडिया ऐसे कंट्रीज में वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकती है। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कंपनी का जो इंडिया में ही, मतलब जो प्रोडक्ट है कंपनी का, जो केमिकल्स है वो इंडिया में ही नहीं बिकता है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी इस कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं, मतलब जो केमिकल्स हैं वो बिकते हैं। तो देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, कंपनी की 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी है, जिसमें से 4 तो सूरत में है, जो सचिन है वो सूरत में लोकेटेड है, और जो 2 है बाकी की वो जगाड़िया के अंदर है। तो देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखिए आप, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखिए 23,438 मिलियन टन की इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब ये देखिए, इसकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहली बात तो क्या, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, मतलब सिर्फ 1-2 कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं। अगर एक कस्टमर चला भी गया तो धंधे पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा। और देखिए, इसकी R&D टीम बहुत तगड़ी है, और इसकी R&D टीम को कुछ अवार्ड भी मिला हुआ है। अब देखिए, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखिए डाइवर्सिफाइड है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 4-5 प्रोडक्ट ही कंपनी बेचती है, बहुत ज़्यादा हर तरीके के केमिकल कंपनी बेचती है। जैसे मैंने आपको बताया एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, पर्सनल केयर, तो हर तरीके के केमिकल कंपनी बेचती है। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में भी मैंने आपको बताया, 6 कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। तो देखा जाए तो 6 फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना, और देखा जाए तो एक अच्छी खासा प्रोडक्शन को इंडिकेट करता है। अब ये देखिए, और कंपनी की अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले 3-4 साल से लगातार कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लगातार प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए, अब ये कंपनी इश्यू लेकर क्यों आई है, मतलब ये जो कंपनी आईपीओ से पैसा लेगी इसका क्या करेगी। देखिए, सबसे पहले तो जो कंपनी की उधारी है उसको चुकाएगी, जिसके अंदर कंपनी का अक्रूड इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। और जो दूसरा है वो है टू मीट जनरल कॉरपोरेट पर्पजेस, मतलब जो भी कंपनी के थोड़े कैश इन्फ्लोज की अगर दिक्कत होगी तो उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर कंपनी ये आईपीओ लेकर आई है। अब ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू देखेंगे आप पिछले 3-3.5 साल का, तो ये देखिए 18 के बाद 19 में तगड़ा रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ा कंपनी का, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ही रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन बढ़ा जरूर है। अब देखिए, इस बार कंपनी का 9 महीने में कंपनी ने 563 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, मतलब अगर आप ईयरली बेसिस पर देखोगे तो कम से कम ये आपको 720 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आएगा, मतलब पिछले साल के मुकाबले लगभग 280 करोड़ की इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मतलब कंपनी की जो
सेल्स हैं वो 2020 के मुकाबले आपको 50% बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब ये देखिए, अगर आप नेट इनकम देखेंगे तो पिछले 3 साल से तो लगातार बढ़ने को देखने को मिली ही है। इस बार भी देखिए 9 महीने में कंपनी ने 47.1 करोड़ का मुनाफा कमा लिया है, जिसका मतलब ये है कि ईयरली बेसिस पर आपको ये भी अगर देखा जाए तो लगभग 64 करोड़ होता हुआ नजर आ सकता है। मतलब पिछले साल के मुकाबले आपको 20-25% की ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए तो ये देखिए कंपनी लगातार अच्छा कर रही है, लगातार बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए इस बार अगर आप मार्जिन परसेंटेज देखोगे तो लगातार मार्जिन परसेंटेज में गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे का रीजन यही है, देखिए जो केमिकल सेक्टर वाली कंपनी है इसके अंदर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो इसकी वजह से यहां पर आपको लगातार मार्जिन कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है। देखिए पहले है आनंद एस देसाई, डॉक्टर किरण सी पटेल, मोना ए देसाई, किरण पल्लवी इन्वेस्टमेंट, रेहस इंडस्ट्रियल एंड रेसिन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए सब ये जो थे कंपनी के फंडामेंटल जो आपको पता होने चाहिए। अब मैं आपको इसकी आईपीओ की डिटेल्स देता हूँ। देखिए 12 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा और 16 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। देखिए 4 दिन इसलिए नहीं है, देखिए जो 13 और 14 तारीख है, 13 और 14 को सैटरडे और संडे है, तो इसीलिए यहाँ पर ये 16 तारीख का है। अब देखिए फेस वैल्यू, देखिए एक शेयर की फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये है और प्राइस बैंड देखिए 553 से लेके 555 का। मतलब आप ये मान के चलिए कि आप 555 रुपीज़ पर यहाँ पर बिड लगाएंगे। और देखिए 27 शेयर मतलब 555 × 27 एक लॉट लगाने के लिए इतना पैसा चाहिए। अब देखिए इश्यू साइज, देखिए यहाँ पर कंपनी 760 करोड़ का यहाँ पर कंपनी आईपीओ लेकर आई है, और कंपनी ने यहाँ पर ये नहीं बताया कि ये 760 करोड़ का वो कैसे यूज करने वाली है, मतलब ओएफएस में या फिर फ्रेश इशू में। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ इंडिकेशन नहीं है, तो यहाँ पर पूरा 760 करोड़ आपको कंपनी के पास जाता हुआ नजर आएगा और कंपनी अपने धंधे को बढ़ाएगी यहाँ से। अब देखिए अलॉटमेंट जो होगा वो 19 को होगा। अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिलती है तो आपको क्या कहते हैं कि जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में 23 मार्च को आ जाएंगे, और अगर नहीं मिलती है तो आपको रिफंड मिल जाएगा 22 मार्च को, और ये आईपीओ 24 तारीख को लिस्ट हो जाएगा। अब ये देखिए अगर आपको इसमें एप्लीकेशन लगानी है तो मिनिमम यहाँ पर आप इसमें 27 शेयर के लिए बिड लगा सकते हैं, जिसमें एक लॉट में 27 शेयर होंगे, जिसके लिए आपको चाहिएंगे 14,985 रुपीज़। और आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1,94,805 रुपीज़ चाहिएंगे। तो अब हम इसके वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 6.94 का है, तो अगर इसके बेसिस पर अगर हम जो इसका इश्यू प्राइस है 555, तो जब देखा जाए तो 79.68 से लेके 79.97 मतलब 80 टाइम्स यहाँ पर इसका वैल्यूएशन निकल कर आता है। तो देखा जाए थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन तो पहले से ही है, और इसके बाद भी अगर ये लगभग 40-50% ऊपर लिस्ट हो जाता है तो 100 के प्राइस टू अर्निंग से भी ये ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये आईपीओ यहाँ पर एक बार के लिए लिस्टिंग गेन के लिए ही बनता है। अब देखिए रिटर्न ऑन नेटवर्क भी ज़्यादा खास नहीं है, यूके ने की 15-20% की है। यहाँ पर इसका जो आरओई है वो भी 9.62% का ही है जो बता रहा है, और मैंने आपको बताया कि लगातार इसके मार्जिन परसेंटेज में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब आप नेट एसेट वैल्यू देखिए, इसके एक शेयर की जो बुक वैल्यू है वो भी है 76 रुपीज़ की। मतलब अगर आप इशू की बात करेंगे तो लगभग ये इशू 7-8 टाइम इसके प्राइस टू बुक पे भी वैल्यूड है। तो देखा जाए तो अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 300 रुपये का आ रहा है, जो कि 50-55% का है। तो देखिए मेरे ख्याल से जो भी लोग इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 100% आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रही बात लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी आपको यही बोलूँगा, अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिलती है तो मेरे ख्याल से आपको अपना जितना भी आपको अलॉटमेंट मिलती है वो आपको बेचना चाहिए, क्योंकि इशू खासा देखा जाए तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन पर लिस्ट होगा। देखिए अगर 50
50 से 55% अगर ये ऊपर लिस्ट होता है तो वो बताता है कि लगभग इसका जो प्राइस होगा वो लगभग 110 टाइम्स के लगभग हो जाएगा। तो देखा जाए तो खासा ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि अगर इसमें आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपको लिस्टिंग पे अपना सारे शेयर बेच देने चाहिए। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा करेक्शन होता है, 15 से 20% का अगर करेक्शन होता है, तो मेरे ख्याल से आपको तब इसमें खरीदारी करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा इसमें बेट नहीं बनेगा, लेकिन हाँ लिस्टिंग गेन के लिए आपको इसमें 100% अप्लाई करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर एक दो हफ्ते के अंदर अगर हमको 50 से 60% मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर हमको, हमारे लिए एक वो बोनस है, अगर हमको अलॉटमेंट मिल रहा है तो हमको 50 से 60% का प्रीमियम का प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। अब देखिए, जो कंपनी अच्छी होती है उनके अंदर हमको होल्ड रखना चाहिए। जैसे बर्गर किंग था तो बर्गर किंग को होल्ड रखना चाहिए, रूट मोबाइल, तो ये सब कंपनियां क्या अच्छी होती। तो जो कंपनीज के फंडामेंटल टॉप क्लास होते हैं उनको होल्ड करना चाहिए। बाकी जो इसका जिसका ओवर वैल्यूएशन इंडिकेशन है तो मेरे ख्याल से इसको आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैसे ये मेरा पर्सनल एनालिसिस था, आपको जो भी काम करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही करना है। तो दोस्तों पहले ये भी बता दूं कि हाँ, एक ही डीमैट अकाउंट से ज़्यादा एप्लीकेशन मत लगाइएगा। जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट से एक एक एप्लीकेशन लगाओगे उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे अलॉटमेंट के। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको अनुपम रसायन आईपीओ के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।